हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ पांच स्पेशल गेम्स जो कि आपके एंड्रॉयड डिवाइस के लिए बिल्कुल ही फेवरेबल है, आपके लिए बने हुए हैं भाई, और वो होने वाले 100 MB से कम के साइज़ में। तो भाई इस वीडियो में कवर होने वाला है सारे टाइप के गेम, जैसे कि रेसिंग गेम, स्टोरीज बेस्ड गेम और भी बहुत कुछ, फाइटिंग, RPG वगैरह सब। तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में डाल रखे हैं 2 शानदार स्टोरी मोड गेम्स जो कि आपको एक बार खेलने या देखने चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि इस गेम में, इस वीडियो में होने वाले हैं मल्टीप्लेयर गेम्स जो कि आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। तो चलो गाइस, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, हमारा पहला गेम निकल के आ जाता है रेसलिंग रिवॉल्यूशन 3D। तो गाइज, ये गेम आपको 50 MB के अंदर में दिख जाता है, काफ़ी तगड़ी गेम है ये। आपको WWE 2K18, 2K22 जैसी गेम्स देख के आपको जब मन करता है WWE गेम खेलने का, तो आप इसे अपने लो एंड फ़ोन में खेल सकते हैं, जो कि बहुत सरकारी मोबाइल भी होगा ना तो भी बहुत आराम से चलने वाला है। तो गाइस, आप अपने कैरेक्टर को इस गेम में कस्टमाइज कर सकते हो, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी एबिलिटी, पावर आप सब चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, उसको जिम भेज सकते हो। बहुत बड़ी गेम है, इतने कम साइज में मुझे नहीं पता इन्होंने कैसे दी। ग्राफिक्स के मामले में थोड़ा ख़राब बोल सकते हो आप इसे, बट आपको ये फील, मूव सारे देने वाला है WWE गेम्स की। तो आपको अगर WWE के गेम खेलना है तो आपको इसे ट्राई बिल्कुल करना चाहिए, एक नहीं बट ट्राई करना ही चाहिए। तो चलो बढ़ते हैं अपने दूसरे गेम के तरफ, जो कि होने वाला है रेसिंग गेम। यहाँ गाइस, अगर आप रेसिंग गेम के दीवाने हो तो इस वीडियो में आपको वो भी मिलने वाला है। तो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक रेसिंग गेम जिसका नाम है हाईवे ड्रिफ्टर। तो गाइस, ये काफ़ी अंडररेटेड गेम है, इसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस गेम के बारे में। ये रेसिंग गेम में काफ़ी हैवी ग्राफिक्स हैं जो कि आपके फ़ोन में आराम से चल जाएंगे, बट इसमें एक प्रॉब्लम है आपके साथ कि इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि आपको 400 MB के आसपास मिल जाएगा। फोर्ज़ा होराइज़न की फील ये आपको पूरी तरीके से दिला सकता है एंड्रॉयड में। अगर आपके पास एसपोर्ट्स की गेम खेलने के लिए इतना डेटा नहीं है उसे डाउनलोड करने का, तो आप उससे कम 400 MB का ये गेम कर सकते हो। सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ यही एक गेम है जो 400 MB का है, बाकी सारे गेम्स 100 MB से नीचे होने वाले हैं और शानदार होने वाले हैं। तो गाइस, आपको एक बार खेलना ही चाहिए इस गेम को। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट गेम का टाइप आ जाता है स्टोरी बेस्ड गेम के ऊपर। तो गाइस, इस वीडियो में जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था कि स्टोरी बेस्ड गेम भी होंगे, तो वैसे ही मैं लेके आया हूँ भाई, अपना वादा मैं पूरा कर रहा हूँ। तो भाई, अब आप अपना वादा पूरा करो, इतने अच्छे गेम मिल गए भाई, लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, अपने दोस्त लोग को भी शेयर कर दो। तो गाइस, हमारा स्टोरी बेस्ड गेम का पहला गेम निकल के आ जाता है, वो आता है वॉकिंग डेड ज़ॉम्बीज। गाइस, बिल्कुल सही सुना आपने, वॉकिंग डेड, डेड नहीं है भाई, एक सेकंड ध्यान देना, यहाँ पे डेड नहीं है, ज़ॉम्बीज है। तो गाइस, ये आपको सारे फेमस गेम्स, PC के हैवी जो गेम्स रहते हैं, जैसे कि रेसिडेंट ईविल की सीरीज, डाइंग लाइट एट्सेट्रा, बहुत से हैवी गेम्स हैं। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स इसका थीम है, आपको ज़ॉम्बी एपोकलिप्स गेम अगर खेलना चाहते हो तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना, आपको थोड़े क्यूट से ग्राफिक्स के साथ अच्छा गेम प्ले प्रोवाइड करते हैं। स्टोरी लाइन भी अच्छी है और ओपन वर्ल्ड है, बहुत सारे सीजन्स आपको देखने मिल जाते हैं, वेपन्स देखने मिल जाते हैं, आपको अपना एक मेन प्रोटैगनिस्ट देखने के लिए मिल जाता है, और अच्छा स्टोरी गेम है, आपको एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। सो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने वीडियो के सेकेंड लास्ट गेम के ऊपर, जो कि होने वाला है स्टोरी बेस्ड गेम। 2 स्टोरी बेस्ड गेम है, और मेरे ओपिनियन से अगर आप इस स्टोरी बेस्ड गेम को सुनो तो भाई, ये बहुत तगड़ी गेम है, बहुत तगड़ी गेम है अगर आपको 100 MB से कम के साइज में चाहिए, क्योंकि मैंने इसे खेल रखा है, दो बार कंप्लीट कर रखा है मैंने। तो चलो बता देता हूँ आपको गेम का नाम, ताकाशी निंजा वॉरियर। तो गाइस, ये कुछ निंजा गेम होने वाला है आपके लिए, अगर आप निंजा गेम के
आई नो, अगर आपको निंजास बहुत पसंद आते हैं, फाइटिंग स्किल्स, मूव, स्वॉर्ड आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप तक्षी निंजा वॉरियर को खेल सकते हो। ये आपके लिए बेस्ट गेम हो सकता है इस वीडियो का। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा गेम है मेरे ओपिनियन में, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें बहुत सारे चैलेंजिंग बॉस हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, उन्हें मारना भी बहुत मुश्किल रहता है, आपको अपने टेक्निक लगा के मारना पड़ता है, आपको हर एक लेवल पे डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट बॉस देखने मिलता है और आपको ऐसा करते हुए फाइनल बॉस तक जाना रहता है जो कि काफ़ी चैलेंजिंग और मज़ेदार भी रहता है। तो आपको खेलना ही चाहिए इस गेम्स को। और इसका सेकेंड पार्ट ये जो सेम डेवलपर ने बना के रखा है, तो उस गेम का नाम है निंजा रियोको शेडो हंटर RPG। गाइस नाम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और बड़ा नाम से बड़ा इसका काम है गाइस। तो गाइस इस गेम का भी थीम कुछ तकाशी निंजा वॉरियर जैसा ही होने वाला है, बट थोड़े से हाई ग्राफिक्स के साथ, थोड़े से अच्छे स्टोरी लाइन और कंट्रोल्स के साथ ये गेम आपको प्रेजेंट की जाती है। तो चलो गाइस मूव करते हैं अपने वीडियो के लास्ट गेम की तरफ, जो कि होने वाला है बहुत अच्छा गेम। तो गाइस लास्ट गेम का थीम होने वाला है GTA। गाइस GTA, तो गाइस अगर आपको GTA 5 खेलना है अपने मोबाइल फ़ोन में, फील लानी है भाई उसकी, फील मज़ा लुप्त उठाना है, तो गाइस आप खेल सकते हो Payback 2। तो गाइस ये मेरे ओपिनियन में काफ़ी सही गेम है, मैं इसे अभी भी खेलता हूँ, करेंटली भी खेलता हूँ, मैं इसमें बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो गाइस तो Payback 2 एक काफ़ी अच्छी गेम हो सकती है आपके लिए अगर आप GTA गेम खेलना चाहते हो। तो गाइस इसमें बहुत सारे मोड्स हैं और मल्टीप्लेयर भी है जो इस गेम को बहुत ज़्यादा खास बनाती है बाकी की ऐसे हाई ग्राफिक्स गेम से। तो गाइस ये काफ़ी हाई ग्राफिक्स और मल्टीप्लेयर गेम है जो कि आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। तो गाइस ये वीडियो में सिर्फ इतना ही, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया 5 शानदार गेम जो कि आपके लिए बिल्कुल सुटेबल है, और सारे टाइप के गेम बताए भाई, भाई एक भी गेम ऐसा बेसिक सा नहीं बताया, सारे गेम्स अलग से ढूंढ के लाए हैं। तो गाइस मैं तकाशी निंजा वॉरियर पे बहुत ही जल्दी स्टोरी बेस्ड गेम वाली वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप उसे देखना भी मत भूलना भाई, क्योंकि मैं उसे खेलने वाला हूँ और देखते हैं भाई क्या बॉस मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तो गाइस चलो ठीक है गाइस, आज के वीडियो में फिर सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।